जानेंगे कि फोल्डर को कैसे शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब होता है एक पीसी से दूसरे पीसी में कैसे लैन या इंटरनेट के जरिए या वाईफाई के जरिए कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप एरिया पे, खाली एरिया पे। उसके बाद आप मेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पे आपको फोल्डर ऑप्शन मिलेगा। फोल्डर ऑप्शन में जैसे हमने नाम लिख दिया, नाम लिख दिया एजुकेशन। एजुकेशन लिखने के बाद हम इंटर करेंगे। एजुकेशन पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा रहेगा शेयरिंग, शेयरिंग पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे चूज पीपल टू शेयर विद, आप किसे शेयर करना, टाइप का नेम एंड देन क्लिक टाइप और क्लिक करेंगे फाइंड समवन। जैसे आप इसको एवरीवन को करना चाहते हैं तो आप एवरीवन पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि परमिशंस लेबल जो होता है डिलीट रहेगा तो अगला व्यक्ति जो भी डेटा ये पाएगा वो सिर्फ इसमें पढ़ सकता है, इसको इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि परमिशंस उसको रीड एंड राइट करें तो आप इस पर टिक कर देंगे रीड एंड राइट। इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिविजुअल ईमेल आपका फोल्डर शेयर हो चुका है। इसको हम कैसे जानेंगे शेयर हो चुका है, तो आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पहले जान लेंगे कि कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आप बी प्लस आर करेंगे और यहाँ पे सी एम डी निकल करेंगे और एक कमांड लिखेंगे आप आई पी कॉन्फिग। तो यहाँ देखेंगे इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसलिए ये अब हमने इंटरनेट ऑन कर दिया है। तो देखेंगे फिर से वही कमांड लिखेंगे आई पी कॉन्फिग रहेगा। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा आई पी एड्रेस लिखा है IPv4 एड्रेस 192.168.43.83। तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो कि 32 बिट का होता है। तो ये हमारा है 192.168.43.83। तो अब हम जिस कंप्यूटर से इस फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं उस कंप्यूटर में हम लिखेंगे BMP+R। ये ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ एक लोकल फाइल शेयरिंग होता है जो कि एक लाइन पर या एक वाईफाई एक नेटवर्क पे ही सिमिलरली हो पाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डबल डॉट स्लैश हो जाएंगे 192.168.43.83। जब लिखकर हम इंटर करेंगे ये देखेंगे हमारा आ जाएगा यूज़र। यहाँ पर हमने RAS पे लॉगिन किया है तो डेस्कटॉप पे जाएंगे हम, देखेंगे एजुकेशन नाम का एक फोल्डर हमारा शेयर होकर आ गया। अब जैसे हम इसको अगर मिनिमाइज़ कर देंगे और अगर हम इस फोल्डर में कोई भी चीज़ कॉपी कर देंगे, सपोज दैट इसके फोल्डर में अगर हम एक नया फोल्डर भी बना देंगे तो जिस भी कंप्यूटर में हम एक्सेस कर रहे होंगे शेयर नेटवर्क पे, तो वहाँ एजुकेशन के अंदर तुरंत हमारा एक फोल्डर भी आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम चाहें तो इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो हमारे नेक्स्ट कंप्यूटर वहाँ जहाँ से ये यहाँ पे फाइल लोकेट की गई थी वहाँ से भी फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी। इसमें एक चीज़ हम देखेंगे आप कि ये फाइल अगर शेयर नहीं भी होती है तो आप जाएंगे नेटवर्क पे, यहाँ ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपका जो लिखा है चेंज एडवांस शेयरिंग, यहाँ पर आपकी टर्न ऑन डिस्कवरी होनी चाहिए, टर्न ऑन और ये भी टर्न ऑन, ठीक। और ये आपका पासवर्ड आप चाहे टर्न ऑन कर सकते हैं या टर्न ऑफ, बट आप ऑफ कर सकते हैं। अब सेटिंग करें। धन्यवाद।